वाइट जोड़ा, तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ये बेगम के काम है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। सलाम। लाम, लाम। तो मुस्तफा और मैं हम तैयार हैं जुमे की नमाज पढ़ने के लिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? गला मेरा खराब है, तो 3 दिन से बेहद खराब है। और आज है जुम्मा, जुम्मे को हम जुम्मे की नमाज पढ़ने मस्जिद जाएंगे और मुस्तफा को भी साथ लेके जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जुम्मे के दिन वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि वाइट पहन लूँ, तो आज भी मैंने यही सोचा था कि वाइट पहन लूँ, लेकिन जैसे ही मैंने देखा वाइट जोड़ा, तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ये बेगम के काम है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। जिस कपड़ों से कलर निकलता है उसी कपड़ों में जो है ना व्हाइट कपड़े को भी डाला था। शाबाश बेटा। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये पहन लेंगे, भी लाइट कलर है। ये जो है मुस्तफा पहनेगा आज, ये हम सऊदी से लेके आए थे, इसको इस्त्री करते हैं। वैसे इस्त्री मैं खुद ही करता हूँ हमेशा से, मेरी आदत है, मुझे किसी और की इस्त्री पसंद भी नहीं आती और अपने काम खुद भी करने चाहिए। मैं इस्त्री कर रहा था, ये जाग गया है, ये जाग गया है। विकी 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 आपका भाई हो गया है रेडी जुमे के लिए। आपका भाई बिल्कुल है तैयार। जुमे के दिन जो है ना, मैं हमेशा उदुल जुनेद प्रेफर करता हूँ। इसकी स्मेल बहुत मीठी, बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी, दिल पे लगती है। तैयार हो रहा है, देखो मुस्तफा। माशाल्लाह। अभी मुस्तफा का फेवरेट परफ्यूम उसको लगाते हैं। ये हम कहाँ से लाए? सऊदी से। एक रेडी हो गए मुस्तफा। सलाम। वालेकुम अस्सलाम मुस्तफा। लाफिज़। तो ये बहुत एक्साइटेड है, इसका पहला जुम्मा है और माशाल्लाह शहजादा लग रहा है। जुम्मे की नमाज पढ़ोगे? तो मुस्तफ़ा और मैं हम तैयार हैं जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए, और कोशिश करो कि जुम्मे के वक्त सूरतुल कहफ पढ़ो, बहुत सवाब है इसका। जितना दुरूद शरीफ पढ़ सकते हो पढ़ो, हम भी कोशिश करेंगे, आप लोग भी करो और मुस्तफ़ा भी पढ़ेगा इंशाल्लाह। मुस्तफ़ा आप पढ़ोगे ना? हाँ, बस अब तो पढ़ लो। सुबहानअल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या लग रहा है शेख साहब, बड़े प्यारे लग रहे हो। तो हम कहाँ जा रहे हैं मुस्तफा? नमाज़। क्या? नमाज़। हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, अभी रास्ते में है और एक जगह पे जमात खड़ी भी हो गई है, लेकिन हम जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ज़रगुनी मस्जिद जाए, वहाँ पे नमाज पढ़ लें। अगर वहाँ पे जमात नहीं हुई खड़ी तो वहाँ पे पढ़ लेंगे, वरना फिर हैदराबाद जाएंगे, वहाँ पे नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और ये हमारे साथ मुस्तफ़ा है। मुस्तफ़ा वालेकुम अस्सलाम। तो इंशाल्लाह फिर मस्जिद में मिलते हैं। मस्जिद में जमात नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र है टाइम पे पहुंच गए, अभी यहाँ पे नमाज पढ़ते हैं इंशाल्लाह, फिर आपसे मिलते हैं।
उनकी कब्र पे जाएंगे, उनके लिए दुआ करेंगे ना, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जुमे की नमाज पढ़ ली मैंने। ये भाई साहब जो है ना रोने लग गया था, तो इसने नहीं पढ़ी। लेकिन बच्चों को ऐसे ही आदत देते हैं कि अपने साथ मस्जिद ले जाया करो, चाहे वो नमाज पढ़े या ना पढ़े, वो आपको देख के ही सीखते हैं। और जुमे की नमाज के बाद हमारा अक्सर मेरा ये रूटीन होता है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अब्बू के कब्र पे जाऊँ और दुआ करूँ अब्बू के लिए, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए। और आज मुस्तफ़ा को भी साथ लेके जाएंगे, ये भी दुआ करेगा। दादा के लिए दुआ करोगे? तो अल्हम्दुलिल्लाह अब्बू की कब्र पे भी गए, दुआ मांगी अल्लाह से, और अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, क्योंकि आज हम जो भी है अब्बू की वजह से हैं। और मुस्तफ़ा ने भी दुआ की, मुस्तफ़ा दादा के लिए दुआ की ना, तो अभी खाना शाना खाएंगे। A few moments later. जुम्मे के दिन अगर आप अफगानी बर्गर और सदाकत जूस ना पियो तो जाके इलाज कराओ अपना। क्या हुई? तो हम अभी आए हैं सदाकत जूस। आप पिशावर से हो और आप अफगान सदाकत जूस नहीं जानते तो आप पिशावर से नहीं हो। उस्ताद कम कमी होगी। हाँ हाँ चलो का जिससे दुआ घट चार मिक्स पीना है। यो अमरुद घट और यो चार मिक्स घट सही शो और यो वड़ू कैसे कम दे अनार रोड़ा अजी से दचार मिक्स ते माता रखा ननूर शाह तवर का हाँ तेरा मना ना होए 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 क्या कह रहे हो? मजेदार मजेदार मजा आ गया जी मुस्तफा। मजेदार मजेदार वाह अनार जूस पी रहा है मुस्तफा। किसके साथ बैठे हो? ये कौन है? कौन? डॉन चाचू। वो तन्हा कौन है? अल्लाह हू अल्लाह। बादशाह वो कौन है?